जय जिनेंद्र दोस्तों, आप सभी का जैन कपल डायरीज में स्वागत है। आज हम आपको दर्शन करवाने लाए हैं ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र मुरैना के, जो कि मुरैना से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहां पर भगवान आदिनाथ भगवान का बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो चलिए ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करते हैं। ये तीर्थ क्षेत्र जो है वो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी ने बनवाया है। अक्षतान पुष्प चार लीजिए, दीप धूप से फला दिया तेज दीजिए, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष होगी नहीं कदा। ओम नम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय, अनल पद प्राप्त है अर्घम निरपामते स्वाहा। महाराज जी ने, ज्ञान सागर जी ने बनवाया ना, तो महाराज जी के चरण भी है, महाराज जी के चरण भी है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नीचे के मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की बहुत ही मनोहारी प्रतिमा है और साथ में अन्य भगवानों की प्रतिमाएं विराजमान है, और फिर आप देख सकते हैं साइड में सीढ़िया है और ऊपर जाकर भगवान आदिनाथ के दर्शन होंगे हमें। तो चलिए ऊपर के दर्शन कर लेते हैं। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र जो है वो आगरा बॉम्बे हाईवे पर पड़ता है और बहुत ही आसानी से दिख जाता है, बाहर आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा। क्या प्यारा मंदिर है, देख तो बेटो। जय जय बाबा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले, मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुले, कर नाचत ताल मृदंग भज, आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊँ, मन वच काय हे करुणा निधि भव दुख मेटो, याते मैं पूजू प्रभु काय। ओम रिम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय, अनक पद प्राप्ताय अर्घम निरपामति स्वाहा। नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु। यहाँ पर भगवान आदिनाथ की बहुत ही सुंदर और मनोहारी बहुत ही बड़ी प्रतिमा विराजमान है। बस यहाँ पर यही दो, एक नीचे तलहटी में मंदिर है और ऊपर आदिनाथ भगवान का मंदिर है। यहाँ पर भोजनशाला और रुकने के लिए बहुत ही बढ़िया धर्मशाला है। धर्मशाला भी अभी नई बनी हुई है और उसमें सारी सुविधाएं हैं, काफी अच्छे रूम्स हैं, एसी और नॉन एसी रूम्स अवेलेबल है। उसका टैरिफ जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देंगे। और यहाँ पे भोजनशाला भी है, जैसे कि 8:30 बजे तक यहाँ पर नाश्ता वगैरह भी आपको मिल जाता है। अगर आप, हम लोग जैसे सोनागिर तीर्थ की यात्रा के लिए निकले हैं तो हमने यहाँ पर नाइट स्टे किया है और अब हम यहाँ से जाके गोपालचल ग्वालियर जाएंगे। तो यहाँ पर रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था, अगर आप जा रहे हैं तो एक बार इस तीर्थ के दर्शन भी कर सकते हैं। इधर देखो, तब ये है हमारा रूम। ये हम कांच तैयार होने के लिए हमारा अलमारी, ये दो बेड, मतलब डबल बेड है पर इसमें बीच में डबल बेड, लेट बाथ काफी स्पेशियस है, लेट बाथ भी काफी साफ है, नीट एंड क्लीन है। समृद्ध शिखर एक धाम है पार्श्वनाथ भगवान, ज्ञान तीर्थ एक धाम है पार्श्वनाथ। ज्ञान स्थली पहुंच गए, ये देखिए रात को यहाँ पर कितना बड़ा
पांडाल तो ओपन में ग्रीनरी है, मंदिर भी कितना अच्छा। अभी सारा सामान थोड़ी ले जा रहे हैं, मेन रोड पर है और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। एबी रोड पर है, मोरेना से 5 किलोमीटर दूर है मोरेना से। वहीं से जो है पुजारी आते हैं और यहाँ पर अभिषेक होते हैं। सुबह 7:30 बजे के बाद अभिषेक होते हैं। आप यहाँ पर धोती दुपट्टी भी अवेलेबल है, आप यहाँ पर आकर शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान के अभिषेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारी स्पेस है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पर शादी और पार्टी लॉन वगैरह भी है, जैनों के लिए ये जगह दी जाती है और काफी अच्छा अरेंजमेंट्स यहाँ पर हो सकता है। बहुत अच्छी ग्रीनरी के बीच में ये जगह अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहाँ पर कितने सारे मोर बैठे हुए हैं। तो मतलब ये जगह बहुत अच्छी है, अगर इवेंट या कोई शादी वगैरह या कोई करना चाहते हैं तो आराम से यहाँ पर हो सकती है। अब हम आगे गोपाचल पर्वत के लिए निकलेंगे यहाँ से, तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। हमारे गोपाचल पर्वत की वीडियो और सोनागर की वीडियो के लिए स्टे ट्यून विद अस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे तीर्थों के दर्शन करती रहिए। जय जिनेन।